मैक्लॉडगंज स्थित टीसीवी में सोमवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के जीवन पर बनी लघु फिल्म आइकन ऑफ द एरा का धर्म गुरु दलाई लामा ने विमोचन किया। स्नो लैपर्ड प्रोडक्शन के सहयोग से डॉक्टर सुनीला शर्मा की ओर से निर्मित एवं निर्देशित इस लघु फिल्म में भारत की प्राचीनतम रियासतों में से एक बुशहर रियासत में पले बड़े वीरभद्र सिंह के जीवन में के कई पलों को दर्शाया गया है। फिल्म में वीरभद्र सिंह के बाल्यकाल से लेकर उनके राजनीतिक जीवन के संघर्ष की कड़ियों का फिल्मांकन किया गया है, साथ ही किस तरह उन्होंने पिता के देहांत के बाद बाल्यकाल में बुशहर रियासत की कमान संभाली, इसका सारा जिक्र फिल्म में है। फिल्म में बुशहर रियासत के इतिहास का भी बखान किया गया है। इस अवसर पर पूर्व सांसद और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह, उनके पुत्र विक्रमादित्य, पुत्री मीनाक्षी सहित कैबिनेट के कई सहयोगी और सरकार के सदस्य उपस्थित रहे। धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा है कि वीरभद्र सिंह उनके भी मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि वीरभद्र सिंह अपनी लोकप्रियता, ईमानदारी, सच्चाई, पारदर्शिता और लोगों के प्रति प्यार के कारण छठी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री वीरभद्र जी इस बर्थडे एंड टुडे इज द सेकंड डे ऑफ कैथन व्हाट इज कॉल्ड एज द 80th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कस्टम ऑफ अम्दो रीजन। सो दिस इज अ वेरी गुड सेलिब्रेशन ऑफ हिज होलनेस बर्थडे ऑन सेकंड डे। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।